उत्तर प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, राजमाता विजयाराजे सिंधिया एक आदर्श भारतीय नारी थी, राजनीति में आने वाली महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। राजमाता विजयाराजे सिंधिया जन्म शताब्दी समारोह में उत्तर प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री रीता बहुगुणा ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर मौजूद भाजपा महिला नेत्रियों की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि राजमाता सिंधिया भारत की आदर्श नारी थी, आदर्श राजनयिक थी। राजमाता से प्रेरणा लेते हुए महिलाओं को राजनीति में आगे आना होगा। श्रीमती जोशी ने मौजूद महिला नेत्रियों के समक्ष कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने महिलाओं के हित में जो कार्य शुरू किए हैं वह स्तुतनीय हैं। चाहे वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या फिर महिला उत्पीड़न मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हो, इससे यह साबित होता है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कितना कृत संकल्पित है। इन्होंने कहा कि देश की लोकसभा अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तक का दायित्व महिलाओं के हवाले है और वे उसका कुशल संचालन कर रही हैं। इन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार की भी तारीफ की। कार्यक्रम में प्रदेश के उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं कमल शक्ति संवाद में और क्या कहा रीता बहुगुणा जोशी ने। हम तो गए थे इस बार माध्यम से समाज की सेवा कर हमेशा ही तत्पर रहती हैं, ऐसी हमारी बहन श्रीमती भारती शर्मा जी का निर्वाहन किया है, इसके लिए सभी तालियां से उनका सम्मान करें। तालियां। मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर भारत वर्ष में शिवराज चौहान जी का नाम आता है तो संवेदनशील जनता के बीच के मुख्यमंत्री के रूप में आता है। शिवराज चौहान जी की सरलता, उनका सीधापन, अरे 15 साल को छोड़ो, एक विधायक बन जाता तो एक साल उसकी नाक पता है आसमान में पहुंच जाती है। लोगों से बात नहीं करता है, अकल के चलता है। मैं जानती हूँ, मैं इस पार्टी में नहीं थी 2 साल पहले तक, लेकिन मैं शिवराज चौहान जी का बहुत सम्मान करती थी और जहां भी मिलती थी कहती थी नेता हो तो आप जैसा होना चाहिए जो जनता के बीच में रहता है, जो घमंड नहीं करता। आज मैंने अखबार उठाया, पता नहीं कौन सा था, उस पर लिखा था कांग्रेसी बोले सामंतीवादी सोच का नेता। अरे आप सारे सामंतों का वहां फोटो लगा था, जितने राजा उस पार्टी में हुए कहीं हुए नहीं। हमारी तो राजमाता गडकरियों के बीच में काम करती रही और शिवराज तो है ही असाधारण, वो किसान नेता है, वो जन नेता है, वो किसी रजवाड़े के नहीं है, वो हमारे हितों के नेता है। और इसलिए जब भी उन्होंने काम किया लोगों के सशक्तिकरण के लिए किया, और आज विजयाराजे सिंधिया जी के राजमाता के सामने उनकी उनकी शताब्दी में ये कहते हुए हमें गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फोकस में, अपने सोच के मध्य में महिला को रखा है, महिला सशक्तिकरण को उन्होंने अपना दायित्व कर्तव्य बनाया है। और जितना काम केंद्र और प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए किया है, जो लोग बोल रहे हैं जरा अपना आईना झांक कर देखें। जब भी कभी राजनीति की मैं राजनेता हूँ इससे बोल रही हूँ, मैं रही हूँ राजनीति में 2500 तक, लेकिन महिलाओं को भीख मांगनी पड़ती थी वहां कि भाई हमको भी मंत्री बना दो, और बनाया भी तो का राज मंत्री, वो भी समाज कल्याण, महिला कल्याण, बुरा नहीं है समाज कल्याण, महिला कल्याण हमारे लिए। लेकिन आपको ये संदेह था कि हम अच्छे मंत्रालय संभाल नहीं सकते, और देखिए मोदी जी को क्या नहीं दे दिया। आज 550 सांसदों के बीच में कौन बैठता है, कौन बैठता है आज उनके बीच में स्पीकर बनकर, एक महिला बैठी हुई है जो मध्य प्रदेश से आई है। मैं बधाई देती हूँ कि उनको हमने स्पीकर बनाया।